छत्तीसगढ़ में अवैध शराब तस्करी को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मनेन्द्रगढ़ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अवैध शराब का कारोबार कांग्रेस विधायकों के संरक्षण में चल रहा है। कोरोना काल में शराब की होम डिलीवरी तक शुरू कर दी गई थी। इसके साथ ही शराबबंदी को लेकर कांग्रेस को घेरा और कहा कि शराबबंदी का वादा कांग्रेस सरकार ने किया था, सरकार गंगा जल का अपमान कर रही है। शराबबंदी का वादा किसने किया? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया था। गंगा जल उठा करके कसम खाया था। क्या हुआ? गंगा जल का अपमान ये सरकार कर रही है। चार साल बीत गए, शराबबंदी करना तो दूर है। कोरोना काल में शराब की होम डिलीवरी इन्होंने शुरू कर दी, घर घर शराब पहुंच सेवा कर दी। और जो अवैध शराब का कारोबार चल रहा है वो कांग्रेस विधायकों के संरक्षण में चल रहा है।